अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड ट्रांजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर। टुडे वी विल स्टडी मोर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर। So let's start our lecture. Today, first application of transistor is transistor as a switch. बेटा यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर की बेस है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, और ये एमीटर है, ठीक है। और एमीटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है। डेली लाइफ में जो आप स्विच यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि आपके पास दो टर्मिनल्स होते हैं। सेम केसेस हियर, यहाँ पर आपके पास कलेक्टर एमिटर टर्मिनल्स बिहेव करेंगे एज द टर्मिनल्स ऑफ द स्विच, ठीक है। जबकि बेस एमिटर टर्मिनल्स कंट्रोल टर्मिनल्स कहलाएंगे। क्लियर? रिपीट करती हूँ मैं अपनी बात को कि कलेक्टर एमिटर टर्मिनल्स बिहेव करेंगे एज द टर्मिनल्स ऑफ द स्विच, जबकि बेस एमिटर टर्मिनल्स को हम क्या कहेंगे? कंट्रोल टर्मिनल्स। These terminals or control terminals decide the state of the switch. अब हम देखेंगे कि आप वो सर्किट जिसमें से आप चाहते हैं कि करंट फ्लो करे, यानी वो ऑन हो या ऑफ हो, तो वो आपको कहाँ लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमने वो सर्किट के तौर पर बल्ब ले लिया, इसको हम अटैच करेंगे विद द टर्मिनल्स ऑफ कलेक्टर एंड एमीटर। क्लियर हो गया? अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आप इस सर्किट को ऑन कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें से करंट कैसे फ्लो होगा। उसके इस तरह है कि बेस सर्किट को आप क्लोज करें। जब आप क्लोज करेंगे तो अब इसमें रेजिस्टेंस आपके पास बहुत कम है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एज अ रिज़ल्ट आपके पास बेस सर्किट में बेस करंट आ जाएगा, आई बी। क्लियर? जैसे ही बेस करंट आएगा, अब आपके पास ये बेस करंट जो है, दिस विल गिव यू हैवी कलेक्टर करंट। हैवी कलेक्टर करंट के लिए ज़रूरी है कि कलेक्टर एमिटर टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस बहुत कम हो। इसी तरह हमने एमिटर को जब ग्राउंड किया तो कलेक्टर को भी ग्राउंड, सपोज कर लेंगे कि कलेक्टर भी ग्राउंडेड है। इस सिचुएशन में कलेक्टर एमिटर स्विच जो है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। कब? जब ये सारी सिचुएशन जो आपको क्लियर की, जब ये क्लोज होगा स्विच, एज अ रिजल्ट सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, ग्लो करना शुरू कर देंगे। देखें तो आपको जो समझाया गया है वही है। इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द स्विच, अ पोटेंशियल वी बी इज अप्लाइड बिटवीन द कंट्रोल टर्मिनल्स। अब कंट्रोल टर्मिनल्स आपके पास क्या हैं? बेस एंड एमीटर। क्लियर? दिस इंजेक्ट अ लार्ज करंट, बेस करंट, इन टू अ बेस सर्किट, ड्यू टू विच अ वेरी हाई करंट आई सी, कलेक्टर करंट, बिगिनस टू फ्लो इन द सी ई सर्किट, कलेक्टर एमीटर सर्किट। दिस लार्ज वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगी? जब कलेक्टर और एमीटर के दरमियान बहुत कम रेजिस्टेंस होगी। एमीटर हमने कहा ग्राउंडेड है, सो वी कैन सपोज दैट द कलेक्टर इज ऑल्सो ग्राउंड। सो कलेक्टर एमीटर स्विच इज क्लोज एंड द बल्ब ग्लोस ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज कलेक्टर करंट। तो आपको जो समझाया गया, आपने देखा कि वही ये कुछ है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हम इस सर्किट को ऑफ कैसे करेंगे, यानी अब बल्ब में से करंट हम चाहते हैं पास ना करें, यानी बल्ब ऑन ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेस सर्किट को ओपन कर देंगे। जब आप ओपन करेंगे तो आप इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। वोल्टेज अप्लाई भी करेंगे तब भी बेस करंट आपके पास क्या होगा? ज़ीरो, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। जब बेस करंट ज़ीरो होगा, इसमें कलेक्टर करंट भी ज़ीरो होगा। कलेक्टर करंट ज़ीरो होगा और कलेक्टर एमिटर स्विच जो है वो ओपन होगा। स्विच ओपन होने की वजह से अब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा, यानी इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
बेटा हमने पहले भी ये पढ़ा कि एम्पलीफायर जो है वो बहुत काम की चीज़ है। एक तरह से हर एक जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें एम्पलीफायर यूज़ होता है। अगर आप ये कहें कि तो ये गलत नहीं होगा कि एम्पलीफायर एक्चुअली इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। अगर हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की बजाय डिस्क्रीमिन अलग-अलग से कंपोनेंट लेने के बजाय एक पूरे सर्किट को एक सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दें और उस चिप को आप एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दें, ठीक है, एंड देन पिंस कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स सच एज इनपुट आउटपुट आउटसाइड द कैप्सूल। ठीक है, सच एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या हो गया, रिपीट करते हैं हम कि अगर आपके पास डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के बजाय एक पूरा सर्किट जो है वो सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेट करें और उसे कैप्सूल के अंदर बंद कर लें एंड पिंस कनेक्टेड विद टर्मिनल्स सच एज इनपुट आउटपुट एंड पावर सप्लाई प्रोजेक्ट आउटसाइड, इन पिंस को बाहर निकाल दें। ठीक है, सच इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पर असेंबल ऑपरेशनल एम्पलीफायर देख रहे हैं कि इसमें आपके पास दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जबकि एक आउटपुट टर्मिनल है। ये दो इनपुट टर्मिनल्स कैसे हैं, इनमें से एक जो आपके पास है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है जबकि एक आपके पास इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। क्लियर, अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में क्या डिफरेंस है। अगर आप अब ये भी देखें, जहाँ पॉजिटिव है वो क्या कहलाता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जो नेगेटिव है वो क्या कहलाता है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। क्लियर, अब अगर आप क्या डिफरेंसेस में से, अगर आप इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के थ्रू इनपुट देते हैं जिस तरह ये है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी एक तो वो एम्पलीफाई होकर आएगी यानी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, दूसरा वो आउटपुट जो होगी वो आउट ऑफ फेज होगी यानी वो आउटपुट जो होगी वो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से होगी। अगर यानी आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वो उलट होके आएगी कि अगर यहाँ क्रस्ट है तो यह आउटपुट में आपके पास ट्रफ आ जाएगा, ट्रफ है तो आपके पास आउटपुट में क्रस्ट आ जाएगा, यानी आउटपुट जो है वो आउट ऑफ फेज आएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर आप इनपुट जो है वह नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से देंगे तो आपके पास आउटपुट एक तो एम्पलीफाइड फॉर्म में आएगी लेकिन विद इन फेज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिस तरह इन्वर्टिंग में हमने कहा था कि आउट ऑफ फेज आएगी उलट होके आएगी, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इनपुट आपके पास विद इन फेज आएगी। क्लियर, इनपुट रेजिस्टेंस, अब इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इन दो टर्मिनल्स के दरमियान करंट फ्लो नहीं करता। इसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन इज़ द रेशियो, क्या है आपके पास, ये रेशियो है बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। ठीक है, आपके पास ये रेशियो है बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस है, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स वोल्टेज। क्लियर हो गया। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो ओपन लूप गेन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये बात आपने जहन में रखनी है। आगे हम डिटेल से हमारी लाइन जो है हमारे बहुत काम आएगी, क्या बताएगी आपको कि ओपन लूप की गेन जो है एम्पलीफायर की वो बहुत ज़्यादा होती है। बेटा हमने अभी पढ़ा कि आपके पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसमें दो इनपुट्स होती हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरी नॉन इन्वर्टिंग। अब हमने इन डिटेल देखना है कि आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर कैसे काम करता है।
क्लियर हो गया बेटा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इस तरह करेंगे कि आप जो इनपुट देंगे वो कहाँ से देंगे, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से, ठीक है। आउटपुट कैसे आएगी वो भी हम एंड में देखेंगे, पहले हम यहाँ सिर्फ ये देखें कि इनपुट हम कहाँ से दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल से, जबकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या किया है हमने, ग्राउंड कर दिया है। क्लियर, आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं आर वन और दूसरी क्या है आर टू। आर टू रेजिस्टेंस को हम फीडबैक रेजिस्टर भी कहते हैं। अब फीडबैक रेजिस्टर क्यों हम कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टर जो है वो दिस रेजिस्टेंस सेट्स द ऑपरेटिंग वोल्टेज पॉइंट एट द इन्वर्टिंग इनपुट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आउटपुट, ठीक है। आपको बेटा ये पता है, अभी हमने पीछे मैंने कहा था कि आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि एम्पलीफायर की गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी अगर हम बहुत कम भी इनपुट देते हैं तो उसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है। जब इतनी ज़्यादा आउटपुट होती है तो उसके क्या नुकसान होते हैं कि एक तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, दूसरा एम्पलीफायर जो है वो स्टेबल नहीं रहता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास स्टेबल एम्पलीफायर भी स्टेबल रहे, आपके पास आउटपुट भी स्मूथ हो और हमारे लिए यूज़फुल भी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। ये रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ लगती है, वो कनेक्ट आर रेजिस्टेंस अक्रॉस द एम्पलीफायर फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब ये क्या काम करती है, दिस रेजिस्टेंस विच इज़ नोन एज फीडबैक रेजिस्टर, दिस फीडबैक रेजिस्टर रिड्यूस एंड कंट्रोल द गेन ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो एम्पलीफायर की गेन है उसको कंट्रोल भी करती है, उसको रिड्यूस भी करती है, उसको स्मूथ फॉर्म में भी रखती है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। दिस प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट नोन कॉमनली एज नेगेटिव फीडबैक एंड दिस प्रोड्यूस अ वेरी स्टेबल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जाहिर है जब ये गेन को कंट्रोल फॉर्म में रखेगी तो एम्पलीफायर को भी स्टेबल फॉर्म में रखेगी। क्लियर हो गया कि आर टू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सर्किट में। अब हम क्या करेंगे, जब आप यहाँ से इनपुट वोल्टेज देंगे, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं करंट आई वन थ्रू आर वन। ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ आपके पास क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई किसके इक्वल हो जाएगा, वी ओवर आर। तो अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की वोल्टेज को हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ वोल्टेज क्या है, वी इन यानी इनपुट वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज क्या है, वी नेगेटिव वी माइनस। तो आपके पास करंट क्या आ जाएगा, वी ओवर आर। अब दो आपके पास वोल्टेज हैं, उनका डिफरेंस आप ले लें, वी इनपुट माइनस वी माइनस ओवर आर वन, ठीक है। हमने कहा कि ओपन लूप गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एम्पलीफायर की, तो उसमें जब ज़्यादा होगी एक्चुअली क्या फिर होता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपके पास जो है वो ग्राउंडेड है, यानी वी पॉजिटिव आपके पास ज़ीरो। जब वी पॉजिटिव ज़ीरो होगा, एक्चुअली जब गेन ज़्यादा होती है तो ये दोनों वोल्टेज तकरीबन इक्वल होती हैं, यानी वी माइनस और वी पॉजिटिव। वी पॉजिटिव अगर ज़ीरो है तो इट्स मीन वी नेगेटिव भी ज़ीरो होगा। तो जहाँ जहाँ पर वी नेगेटिव आएगा हम ज़ीरो पुट करते जाएंगे, क्लियर। अब वी इन एज इट इज़, वी माइनस की जगह ज़ीरो और आर वन एज इट इज़, ये हो गई क्वेश्चन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करंट आई टू फाइंड आउट करना है थ्रू आर टू। अब आपके पास वोल्टेजेस कौन कौन सी हैं, यहाँ पर है वी माइनस और वहाँ पर है आपके पास वी आउटपुट, ये दो वोल्टेजेस हैं, इनका डिफरेंस ले लें, आपके पास आ गया वी माइनस वी माइनस वी आउटपुट ओवर आर टू। वी माइनस को हमने रिप्लेस करना है ज़ीरो से, बाकी बच गया ये आपके पास, ये हमने किरचॉफ्स करंट रूल आपके पास क्या है, आई वन इज इक्वल टू आई टू। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, आपके पास ये सूरत हाल हो जाएगी। यहाँ से आर टू को इस साइड पर लें, वी इन को इस साइड पर लें। अच्छा, अब ये आपके पास क्या बन गया, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट क्या है, दिस इज़ नोन एज गेन, ठीक है। तो हमने इसके रिप्लेस कर दिया जी से, जी यानी गेन ऑफ द एम्पलीफायर, वो किसके कुल है, माइनस आर टू ओवर आर वन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो आउटपुट आपके पास आ रही है वो आउट ऑफ फेज है, ठीक है, यानी इनपुट से वो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से है, क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लार्जर गेन आए तो आर टू जो है वो आपके पास लार्जर देन आर वन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा गेन आए तो क्या होना चाहिए, आर टू मस्ट बी लार्जर देन आर वन। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
नाउ कम टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. बेटा अभी तक हमने क्या किया था, हमने इन्वर्टिंग से इनपुट दिया था. अब हमने क्या करना है, अब हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से इनपुट देनी है. ठीक है, उसके लिए बाकी सारा वही सेटअप है हमारे पास. रेजिस्टेंस आर टू है जो अभी हमने डिटेल से पढ़ी. डिफरेंस क्या है कि पहले हमने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया था, अब हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया. क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब इस तरह है कि फॉर द स्मॉलर इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स आर अप्रोक्सीमेटली एट द सेम पोटेंशियल. अगर हम बहुत कम इनपुट दे रहे हैं तो जिस पोटेंशियल पर ये है उसी पोटेंशियल पर ये है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अब हम कह रहे हैं जी वी पॉजिटिव जो है वो इक्वल है वी नेगेटिव के. अब वी पॉजिटिव का हम क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल वी इनपुट. तो इसके मानिए है वी नेगेटिव भी किसके इक्वल हो गया, वी इनपुट के. समझ आ गई बात की, कि हमने कहा कि बहुत कम जब इनपुट आपके पास होगी तो जिस पर V पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा उसी पर V नेगेटिव. V पॉजिटिव किस पोटेंशियल पर है, V इनपुट. तो V नेगेटिव भी किस पोटेंशियल पर होगा, V इनपुट. तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पर V नेगेटिव या V पॉजिटिव आएगा तो वहाँ हमने क्या पुट करना है, V इनपुट. अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं I1. ठीक है, थ्रू रेजिस्टेंस आर वन. बिल्कुल वैसे ही ओम्स लॉ अप्लाई करें. अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल हमने देखना है. यहाँ पोटेंशियल आपके पास क्या है, ज़ीरो. ठीक है, तो मैंने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो. यहाँ पोटेंशियल क्या है, वी माइनस. ये आ गया, वी माइनस को हमने प्लेस करना था वी इनपुट से, वो मैंने कर दिया. इसी तरह आई टू करंट फाइंड आउट करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस आर टू. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, यहाँ आपके पास पोटेंशियल क्या है, वी माइनस. वी माइनस वी आउटपुट. ठीक है, V माइनस को हमने रिप्लेस किया V इनपुट से. यहाँ एक स्टेप देख लें जो मैंने नहीं लिखा. यहाँ पर आपके पास क्या आना है, V माइनस माइनस V आउटपुट. और V माइनस को हमने कहा था हम रिप्लेस करेंगे V इनपुट से, वो ही मैंने किया. ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को यानी I1 और I2 को इक्वेट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि किरचॉफ्स करंट रूल क्या है, I1 इज इक्वल टू I2. बस जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, R2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, R1 को इस साइड पर कर दें. जब आप सिंप्लीफाई करते आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, V आउटपुट ओवर V इनपुट. दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ओवर R1. नेक्स्ट स्टेप में R1 R1 से कैंसिल, R2 ओवर R1. ठीक है, अब ये V आउटपुट और V इनपुट क्या है आपके पास, गेन. हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे G से. सो G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1. ठीक है, गेन जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, गेन जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है. क्लियर हो गया बेटा? आज हमने क्या किया है, आज हमने ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस पढ़ी हैं. कौन कौन सी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, आज हमने ट्रांजिस्टर की नंबर वन कौन सी एप्लीकेशन पढ़ी है. इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. आज हमने देखा ट्रांजिस्टर एज अ स्विच. इसके बाद हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ा, फिर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा, और फिर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा. उम्मीद है बेटा आप सबको ये समझ आ गया होगा. कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.